अस्यास्य कार्यक्रमस्य इदानीमेव द्वितीयं सत्रम् अस्मिन् सत्रे ये अस्मान् प्रकृतम् उररीकृत्य संबोधयिष्यन्ति तेषु अन्यतमाः सन्ति NCERT इति संस्थानस्य पूर्वनिदेशकाः प्रथिताः शिक्षाविदः माननीयाः प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत महोदयः ते अस्मास्वेव इदानीं सन्ति। अहं सविनयं समेषां पक्षतः तान् प्रार्थये माननीयाः कृपया मञ्चम् आयान्तु इति। ते एव इदानीन्तनसत्रस्य अध्यक्षः मुख्यातिथयः मुख्यवक्तारश्च। अपरे च माननीयाः प्रोफेसर सर्वनारायण झा महोदयाः कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृतविश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अन्यतमे लखनऊ परिसरे निदेशकत्वं उररीकुर्वन्तः माननीयाः सर्वनारायण झा महोदयाः तेपि प्रार्थ्यन्ते कृपया मञ्चम् आयान्तु। धन्यवाद ज्ञापनार्थं सर्वेषां कृते उपस्थितानां समेषां कृते कृतज्ञता ज्ञापनार्थं अस्मासु अन्यतमाः तिरुपतिस्थ केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अन्यतमाः प्रथिताः शिक्षाचार्याः माननीयाः प्रह्लाद जोशी महोदयाः प्रार्थ्यन्ते कृपया मञ्चमायान्तु। अस्तु, इदानीं नातिकालक्षेपं कुर्वन् अहं सविनयं प्रार्थये यत् मान्याः कुलदीप आचार्य कुलदीपशर्ममहोदयाः समेषाम् अतिथीनां स्वागतं परिचयं च अत्र उपस्थापयन्तु माननीयाः कुलदीपशर्माणः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्यां विद्वत्संसदि समुपस्थितानां सर्वेषां ज्येष्ठानाम् आचार्याणां स्वागतम्। यथा भवन्तः जानन्ति, नवशिक्षायुगे इति पदेन अत्र राष्ट्रियशिक्षानीतिः एव अभिलक्षिता अस्ति। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये राष्ट्र के लोगों ने राष्ट्र के लिए बनाई है। और बहुत ही प्रासंगिक होगा कि यदि इस सत्र के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, यदि मैं उनका परिचय आपसे कराऊं, तो ये कहीं ना कहीं दृष्टता होगी कि भारत में कौन ऐसा शिक्षाविद है जो आपके नाम से सुपरिचित नहीं है। मैं चाहूँगा हम एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने सर को बहुत शॉर्ट नोटिस में जो है अप्रोच किया था, और सर ने हमारा जो है वो मान रखा, हमें जो है इस तरीके से गौरवान्वित किया। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। अधिक समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, बहुत दूर से आप पधारे। दूसरा, मैं प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी का भी इस मंच पर मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। पुनश्च प्रह्लाद आर जोशीवर्यः अपि अत्र सन्ति, तेपि मञ्चम् आयास्यन्ति, कदाचित् कार्यान्तरे सन्ति, तेषामपि अहं स्वागतं करोमि। नन्दवर्यामपि अहं स्वागतं करोमि। पुनः एकतन्त्रेण सर्वेषां सभासदानां स्वागतं करोमि। धन्यवादः। इदानीं पुष्पगुच्छेन अहं स्वागतं कारयामि, भवन्तः आसनं गृह्यतां भवद्भिः। तत् प्रथमतः अस्माकं ये ज्येष्ठाः सन्ति, मुख्यवक्तृत्वेन अत्र सम्प्राप्तः, किन्तु अध्यक्षमपि निर्वहन्ति त एव, तादृशाः सन्ति जगमोहन सिंह राजपूतवर्यः। तेषां स्वागताय अहम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थये, कृपया ते मञ्चम् आगम्य तेषां पुष्पगुच्छैः ऊर्णवस्त्रप्रदानेन अथवा उत्तरीयवस्त्रप्रदानेन ते अभिनन्दनं कुर्युः अस्माकं मुख्यवक्तॄणां ज्येष्ठानां शिक्षाविदां प्रोफेसर JS राजपूतवर्याणां। नानालङ्कारशोभिताः इमे आचार्यः भारतस्य राष्ट्रपतिभिरपि सम्मानिताः, पद्मश्री पुरस्कारैः अलङ्कृताः। भवताम् अत्र सान्निध्यं प्राप्य वयं मोदमनुभवामः। इदानीम् अस्माकं ये बिहारीलाल शर्मवर्याः सन्ति, ते सम्प्रार्थ्यन्ते यत् ते लखनौपरिसरस्य ये अस्माकं निदेशकाः सन्ति, तेषां स्वागतं कुर्युः पुष्पगुच्छप्रदानेन। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य इदानीं या कापि राष्ट्रियशिक्षानीतिमादाय प्रगतिरस्ति, तत्र अस्माकं ज्येष्ठानां
तत्र गुरुचरणानां प्रोफेसर सर्वनारायण झा महोदयानां तत्र किञ्चित् विशिष्टमेव योगदानमस्ति, तत् शब्देषु वक्तुं वस्तुतः नैव शक्यते, अतः तेषामपि अङ्कवस्त्रप्रदानेन वयं स्वागतं विदद्मः। पुनः अस्य सत्रस्य सञ्चालकाः सन्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्माकम् आचार्यः प्रोफेसर भागीरथ नंद महोदयः, तेषामपि अङ्गवस्त्रं प्रदाय अभिनन्दनं विधातुम् अहम् अस्माकम् अङ्गनाज्य परिसरस्य आचार्यान् निदेशकवर्यान् प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी वर्यान् अहम् आकारयामि। ते कृपया मञ्चम् आगम्य अमीषाम् आचार्याणाम् अभिनन्दनं कुर्युः। वयं पुष्पगुच्छैः पुनः दुकूलप्रदानेन अमीषाम् आचार्याणां स्वागतं कुर्मः। वयं कर्तलध्वनौ कार्पण्यं न कुर्मः। सर्वेषां भवतां धन्यवादः एतदर्थम्। इदानीं नन्दमहोदयः इदानीं प्रार्थ्यन्ते इति कृपया मञ्च कार्यक्रमं कुर्वन्तु। अब प्रमुख कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर राजपूत सर, आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और जब हम लोग भी अध्यापक थे और आप एनसीईआरटी में थे, बहुत बार आपको हम लोगों ने सभी ने सुना है, और ये तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हमें आप स्नातित करने के लिए कुछ बताने के लिए नई शिक्षा नीति के बारे में, और वर्तमान में हमारे भारतीय परिवेश में जिस प्रकार की शिक्षा चल रही है, और समय समय पर आपके द्वारा लिखे गए लेखों को हम हिंदी पत्रों के जरिए पढ़ते हैं और उसमें से भी बहुत सारा आहरण करते हैं। अब मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप आएं और नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा और सांप्रतिक शिक्षा और परिवेश के अनुगुण शिक्षा के संबंध में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर राजपूत जी, आदरणीय झा जी, नंदा जी और मेरे समक्ष बैठे हुए अत्यंत ही वरिष्ठ विद्वत्जन, संस्कृत के इस सम्मेलन में आपने मुझे आमंत्रित किया, तो निश्चित रूप से जो कार्य एनसीईआरटी में हुआ था, जिससे मैं जुड़ा हुआ था, उसी से संबंधित है। मैंने यहाँ आने के लिए 8 पृष्ठ लिखे, और जब मैं लिख रहा था तो मुझे ऐसा मन में आया कि संस्कृत की स्थिति संयुक्त परिवार में उस पितामह की होती है कि हो गई है जो विशेष अवसरों पर सब उसका ध्यान करते हैं, बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं, हर व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति फिर अकेला हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ये नई नीति पर आप चर्चा कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 वर्ष से बड़ी चर्चा हो रही है, आदेशों के आधार पर भी हो रही है, कुछ स्वतः प्रेरणा से भी हो रही, और बहुत अच्छे ढंग से ये नीति तैयार की गई है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि सबसे पहली कमेटी 2016 में बनी थी श्री टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जिसमें 5 सदस्य थे, 4 आईएएस ऑफिसर थे रिटायर्ड और 1 मैं था। मैं प्रारंभ से ही जानता था कि इसकी रिपोर्ट जो है शैक्षिक जगत में स्वीकार्य नहीं होगी, और वही हुआ। फिर दूसरी समिति बनी, उससे भी मेरा संपर्क रहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा संपर्क रहा और उन्होंने मेरी बहुत सी बातें की। लेकिन जो मुख्य बात है वो एक पहला वाक्य है इस नीति में कि प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा में यह नीति तैयार की गई। यह एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण, प्राचीन भारतीय संस्कृत के बारे में चर्चा करना, उसकी चर्चा किसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ करना,
या ऐसी जगह करना जहाँ अधिकांश लोग निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आए हों, थोड़ी ही देर में उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। वैसे अगर आप इसको आलोचना न लें तो मैं ये कहूँगा कि प्रातःकाल एक कितना भव्य समारोह था और इस समय कुछ लोग आए हैं, बड़ी अच्छी बात, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन संस्कृत इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगी, उस पर विचार करना आवश्यक। मेरे पास तीन नीतियों के उदाहरण हैं, 1968 की नीति के हैं, 86 और 92 के हैं। जब 92 की नीति बन रही थी तब मैं शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव था और इधर भी थोड़ा मेरा रहा है। अगर उनको आप पढ़ें तो मैं आपको एक दो पढ़ के सुना सकता हूँ। इस समय जो लिखा गया है वो तो आपने पढ़ा ही है, आप सब लोग उसको जानते हैं कि आगे इन्होंने कहा, ज्ञान प्रज्ञा एवं सत्य की खोज के भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं होता, गीता ने भी हमको सिखाया। इस पर थोड़ी चर्चा मैं बाद में करूँगा। फिर इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने चिंतन में, दर्शन में बहुत बड़ा योगदान किया, विज्ञान में किया। उन क्षेत्रों के भी नाम इन्होंने लिखे हैं, क्षेत्रों के नाम कुछ इस तरह से हैं, गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज, प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए थे। लेकिन ये तथ्य यदि आप एक सर्वेक्षण करें तो कितने अध्यापक इससे परिचित हैं देश नहीं है, कितनी पुस्तकों में इसके बारे में कहा जाता, बहुत मुश्किल होगा। सन 2000 में 14 नवंबर को, 14 नवंबर बच्चों का दिन कहलाता है, पंडित नेहरू का जन्मदिन था, उस दिन जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा देश के सामने प्रस्तुत की गई थी वो डॉक्टर मुरलीमनोहर जोशी के निर्देशन में और उनके घनिष्ठ अध्ययन के बाद प्रस्तुत की गई। मैं आपको बता सकता हूँ कि डॉक्टर मुरलीमनोहर जोशी को जब वो ड्राफ्ट दिया गया था तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया और रात के 1:30-2 बजे तक 3 दिन हम चर्चा करते थे। ऐसा अवसर मुझे और किसी मंत्री के साथ नहीं मिला, अवसर बहुत मिले। लेकिन उसके बाद बनी थी, हमने एक एक शब्द पर बात, हमने मूलों की शिक्षा की बात की, उसको हमने प्राचीन भारतीय संस्कृत से जोड़कर साहित्य और दर्शन से भी जोड़ा। 5 मूलों को रखा था जिनको आप 6 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, बहुत ढंग से कहा जा सकता है, सत्य, अहिंसा, शांति, धर्म और प्रेम। इन पर दुनिया में किसी भी वर्ग ने, किसी भी विविधता में कभी ये नहीं कहा कि इनका कि मुझे ये स्वीकार नहीं, सभी ने किया। और हमारी संस्कृति ये थी कि हर बच्चे को सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाए जाए। अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण, वे समानताओं को जाने और जहां जहां अंतर हैं उनका आदर करना सीखे, बाद में चलकर भी उनके दर्शन शास्त्र का अध्ययन यदि चाहे तो करें, लेकिन ये आवश्यक। और जैसी अपेक्षा थी इसकी बात की कहानी बहुत ही रुचिकर। हमने संस्कृत भाषा के महत्व को लिखा, हमने वैदिक मैथमेटिक्स की बात को कहा और बस यहीं से विरोध शुरू हुआ। लोगों की रुचि जो इन चीज़ों में आई और उन्हें कहा गया कि ये हिंदुत्व का प्रसार हो रहा, हिंदुत्व का प्रचार हो रहा। संस्कृति और संस्कृत, भारत के संदर्भ में जो दोनों के बीच में लगाव है, उस लगाव की चर्चा हमारी हर शिक्षा नीति में की गई थी। 1986 का ये वाक्य आपको मैं आपके लिए दोहराता हूँ, भारतीय ज्ञान के प्राचीन भंडार की खोज करके उसे समकालीन वास्तविकता से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे, 86 में कहा था, 92 में दोहराया। फिर कितने प्रयास हुए, क्या ये प्रयास हमारे सारे महाविद्यालयों और स्कूलों तक पहुंच सके, क्या हम अपने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को इससे जोड़ सके।
गुन्नार मिडल नाम के एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी 1968-70 के करीब, द एशियन ड्रामा। उसमें उन्होंने कहा था कि जो विकासशील देश हैं उसमें जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्कृष्टता की ओर प्रस्थान या मानवीय मूल्यों की ओर आगे बढ़ने में अगर कोई स्रोत बिंदु है जहाँ से सब कुछ निकलता है वो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टीचर प्रिपरेशन इंस्टीट्यूशन। वे संस्थाएं जहाँ अध्यापक तैयार किए जाते हैं, जहाँ अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं, अगर वहाँ पर चरित्र आदर्श हो जाए, यदि वहाँ पर आचरण आदर्श हो जाए और ऐसा ही व्यक्ति उसका नेतृत्व करे, ऐसे ही आचार्य वहाँ पर हों जो ये महसूस करते हों कि मैं आचार्य हूँ, मेरे आचरण पर हर उस बच्चे की निगाह है जो मेरे यहाँ पर कुछ सीखने आया, वो मेरी हर चीज़ देखता है, मैं उसके लिए आदर्श। अगर ऐसा होगा तो अध्यापक उसी रंग में रंगे जाएंगे, वे जब स्कूलों में जाएंगे तो वहां पर भी आचरण और मूल्यों की बात आ जाएगी, और ये तभी संभव होगा जब उन शिक्षक प्रशिक्षकों को अपने देश की संस्कृति पर गर्व होगा, अपनी भाषा पर गर्व होगा, अपने इतिहास से परिचय होगा, अपनी धरोहर के प्रति लगनशीलता होगी। ये कोई भारत के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, यह कहा गया था गुन्नार मिडल के द्वारा, जो नोबेल लॉरिएट हुए बाद दुनिया भर में वो किताब पढ़ी गई। मुझे तो एक ही यही वाक्य मेरी समझ में आया था जो मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, आपके सामने भी कह रहा हूँ, और हमने अगर हमें अपनी संस्कृति को वहाँ पहुँचाना है, हर बच्चे तक पहुँचाना है, हर घर तक पहुँचाना है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा करना पड़ेगा और वो नहीं कर पाए। मैंने 86 की बात कही, अब मैं 68 की बात बताता हूँ। इसमें बहुत ही सशक्त ढंग से डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। उन्होंने कहा, भारतीय भाषाओं के उद्भव और विकास में संस्कृत के विशेष महत्व और देश की सांस्कृतिक एकता में इसके योगदान को दृष्टि में रखते हुए स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर, यहाँ स्कूल शब्द आया, इसकी शिक्षा की सुविधाएं अधिक उदार आधार पर दी जानी चाहिए। भाषा शिक्षण की नई पद्धतियों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रथम और द्वितीय उपाधि के पाठ्यक्रमों में जैसे आधुनिक भारतीय दर्शन जैसे विषयों को शामिल करना चाहिए। अब आप यो देखिए, ये उस समय जो कहा गया था और अब जो कहा गया है, अंतर कहाँ पर है, अंतर है या नहीं है, ये आपको बैठकर विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। अब जो कहा गया है, भाषा निसंदेश कला एवं संस्कृत के से अटूट रूप से जुड़ी है, विभिन्न भाषाएं दुनिया को भिन्न तरीके से देखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य। आपका लालन पालन किस भाषा में हुआ है और उसमें संस्कृत का कितना पुट है, उससे आप कितने परिचित पड़ेंगे, कितना पुट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि भाषा कैसे जोड़ती है, इसी को हमने इसमें अच्छे ढंग से लिखा है कि विशेष रूप से किसी संस्कृत हाँ ये रखो ये वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूँ। किसी संस्कृत के लोगों का दूसरों के साथ बात करना, जैसे परिवार के सदस्यों, अधिकारप्राप्त व्यक्तियों, समकक्ष अपरिचित भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर तरीकों को भी प्रभावित करती है। भाषा लहजा, अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, ये सभी संस्कृत का प्रतिबिंब और दस्तावेज है। मैं 1986 में पाकिस्तान गया, वहाँ के जो शिक्षा सचिव और जो वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं यूनेस्को की तरफ से गया था प्रशिक्षण देने। तो शाम को करीब 8 लोग एक घर में हम खाना खाने बैठे, सभी लोग सामान्य भाषा बात कर रहे थे, ऐसा कोई नहीं था तो हिंदी या उर्दू न जानता हो, मैं भी बोल रहा,
तो जो हमारे होस्ट थे उनकी पत्नी मेरे सामने बैठी थी और जब बातचीत चल रही थी, सामान हो रहा था, वो फूट फूट कर रोने लगी एकदम, जैसे कि जबरदस्त। सभी लोग परेशान हो गए, क्या हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, ये सब बातें आई। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा व्यवस्थित हुए तो मेरी तरफ, जो मैं उनके सामने बैठा था, उन्होंने कहा, ये इनका लहजा मेरे गांव का लहजा, क्या जुड़ाव था। हम लोगों ने अपने गांव ढूंढे, उन्हें करीब 40-50 किलोमीटर का फर्क था। भाषा की शक्ति बहुत जबरदस्त। और आप जैसे विद्वानों के बीच में मेरे जैसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं इसे दोहराने का। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर मातृभाषा से शिक्षा की बात शुरू हो जाए इस देश में, तो निश्चित रूप से संस्कृत की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। मैं भुवनेश्वर गया, बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले, मेरी बेटी करीब 1.5 साल की थी। मैंने देखा कि घर में सहायता करने के लिए एक महिला आती थी, उसकी बेटी भी साथ आती थी, वो 5 या 6 साल की। मेरी छोटी बेटी से कहती है, अभद्र पिल्ला। मुझे बड़ा चंभा हुआ, अभद्र शब्द तो हिंदी रीजन में कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा अपने घर में। किसी बच्चे को अभद्र शब्द की डांट तो मैंने कभी सुनी नहीं होगी। मैं उसकी बातें सुनने लगा, वो स्कूल नहीं जाती थी, पढ़ती नहीं, लेकिन संस्कृत के इतने शब्द उसमें थे, मैंने उनको लिखा। और मुझे ये बात आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई इस देश में मातृभाषा में शिक्षा शुरू हो जाए तो संस्कृत की तरफ नैसर्गिक आकर्षण बढ़ जाएगा। और ये जो स्कूलों में जाने की बात कही थी कोठारी कमीशन ने, वह साकार हो सकती है, लेकिन होगा कैसे इसकी तरफ मैं नहीं, ये आपके विचार करने की बात है। मेरे पास बहुत सी और चीजें हैं। संस्कृत की प्रशंसा में कितने ही लोगों ने कहा होगा, दुनिया भर में ऐसा कोई नहीं है जिससे उसकी तारीफ न की हो न किया हो। एक दो मैं कहना चाहता हूं, गांधी जी का, संस्कृत के अध्ययन के बिना कोई भी सच्चा भारतीय सच्चा विद्वान नहीं बन सकता। अगर आप किसी और को कहें तो निश्चित रूप से वो नाराज हो जाए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैं एक बार गुवाहाटी जा रहा था, उसी समय जब मैं एनसीईआरटी में था और मेरा बहुत विरोध हो रहा था, तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, केंद्रीय मंत्री थे, बड़ा विरोध करते, रह चुके थे मंत्री उस समय नहीं थे। तो जब मुझे लगा कि अभी अखबार वगैरह पढ़ चुके हैं, तो मैंने कहा कि ये मेरा नाम है, आपने संसद में मेरा बहुत विरोध किया है, क्या मैं अपनी बात आपसे 5 मिनट कह सकता हूँ। बोले, अच्छा अच्छा आप ही हैं। मैंने कहा मैं ही। बात आई इस पर, संस्कृत की बात आई, बोले संस्कृत संस्कृत का आजकल क्या होना है, 3-4 मिनट उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा मैं आपके उद्धरण पढ़ता हूँ, और तब तक ये पुस्तक एनसीईआरटी प्रकाशित कर चुकी थी, संस्कृत भारत की आत्मा तथा विवेक की वाणी, ये उन्हीं लोगों के लिए कही थी जो संस्कृत की बड़ी आलोचना, ये मेरे पास थी। तो मैंने उनसे कहा, सर एक संस्कृत के बारे में एक उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और मैंने पढ़ा, यदि मुझसे भारत की महानतम निधि और सर्वोत्कृष्ट विरासत के विषय में पूछा जाए, तो मैं निर्द्वंद रूप से, अंग्रेजी में अनहेजिटेटिंगली कह सकता हूँ, वह संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य और उससे संबंधित सारा वाङ्मय ही ऐसी धरोहर सबसे बड़ी। जब तक ये रहेगी, हमारे जीवन को प्रभावित करती रहेगी, जब तक ये रहेगी और हमारे जीवन को प्रभावित करती रहेगी, तब तक भारत की आधारभूत विशेषता भी बनी रहेगी। यदि भारतीय जाति बुद्ध उपनिषद तथा महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत, बड़े ध्यान से सुनिए, यदि भारतीय जाति बुद्ध उपनिषद तथा महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत को भूल जाएगी, तो भारत भारत नहीं रहेगा। बोले ये क्या लिखा है, तो सब लोग कहते रहते हैं, आप लोग कहते हैं किसी आर्य से इसके लिए उसने लिखा हो। तो मैंने कहा, ये पुस्तक मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने,
उनकी याद प्रथम था। खैर आगे चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं थी, मैं नहीं चाहता था, भाई मंत्री रहे हैं तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहता था। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं समझता हूँ अध्यापकों के दृष्टिकोण से अत्यंत, ये डॉक्टर राधाकृष्णन का वाक्य है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को स्वयं ज्ञात नहीं है कि संस्कृत ने उनके मस्तिष्क को किस सीमा तक प्रभावित किया, ये उसकी शक्ति को की स्वीकारता है और एक बड़े अप्रतिम विद्वान के द्वारा है। लोगों को स्वयं ज्ञान नहीं है कि संस्कृत उनके मस्तिष्क को किस सीमा तक प्रभावित किया है। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है परंतु उसका उद्देश्य सार्वभौमिक, इट इज नेशनल बट इंटेंशन आर यूनिवर्सल। यही कारण है कि संस्कृत ने उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो किसी विशिष्ट संस्कृत के अनुयायी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसने इसको न किया। मैंने जिन चीजों की बात की थी वो सब स्थित सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने बात आई। उन्होंने कहा मूल्यों की शिक्षा के संबंध में जो संस्कृति है, जो धर्मों को पढ़ाने के बारे में है, मूल तत्व बताने के बारे में है, अगर ये काम होता तो 2002 को, 12 सितंबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये 50 साल पहले होता तो इस देश में बहुत अधिक सामाजिक समरसता और पंथिक सद्भाव पैदा हो चुका होता। इस संस्कृत की हम पूरी तरह स्वीकृत करते संस्कृत के लिए उन्होंने कहा, और जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस हंसारिया का 1994 का जजमेंट भी कोट किया कि ये कहना कि संस्कृत के समकक्ष और भाषाएं हैं, विशेष रूप से उर्दू और अरबी और फारसी की बात की थी, उर्दू नहीं, अरबी और फारसी, तो उस जजमेंट में भी कहा गया है कि संस्कृत का स्थान अलग है और उसकी तुलना पर्शियन और अरेबिक से नहीं की जा सकती, ये बात दोहराई गई थी और जो महत्व हमने कहा था उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया। वैदिक मैथमेटिक्स, जैसा मैंने कहा हम लोगों ने एक एक शब्द पर चर्चा करके लिखा था, हम जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा कोर्ट में। वैदिक मैथमेटिक्स के लिए हम लोगों ने केवल ये कहा था ये ऐसी विधा है जो कंप्यूटेशंस में, इसके दुनिया में कोई इसका सानी नहीं, कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ज़्यादा नहीं लिखा, फिर भी इसको कहा गया ये हिंदुत्व का बढ़ाने का वो है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत है, जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है और इसका इसे निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन साथियों हाँ ये भी इसमें था, इसमें उन्होंने कहा प्रतिपक्ष ये कहा गया है कि वैदिक मैथमेटिक्स लादने का सवाल नहीं, ये पाठचर्या का अंग बनाया गया है मगर सिर्फ सहयोगी गणन विधि के रूप में, शिक्षक इसका उपयोग करने न करने में स्वतंत्र होंगे, सिर्फ वैदिक शब्द के कारण, ये इम्पॉर्टेंट, सिर्फ वैदिक शब्द के कारण वादियों ने इसमें धार्मिक भाव देने का प्रयास किया है जबकि यहाँ वैदिक शब्द काल संबंधी विशेषता से जुड़ता है। इस जजमेंट में ये चीजें मैंने आपको कही लेकिन मेरा ये सुझाव है कि 12 सितंबर 2002 इंटरनेट पे उपलब्ध है, अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कहूँ, जो लोग संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं वो देख लें। हम लोगों ने एक 42 पेज की पुस्तक बनाई थी संस्कृत, यहाँ जो मैंने आपको दिखाई, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बनाई और खूब बांटी, जितना बांट सकते थे बांट, कोई नियमों का पालन नहीं किया, नियम ब्रेक किए, लेकिन उसके बाद ये नहीं छपी, 2014 के बाद भी नहीं छपी और आज भी आपको उपलब्ध नहीं होगी। ये भी एक कारण है जिसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जस्टिस रमा जॉयस के साथ मेरी संस्कृत के बारे में बहुत चर्चा होती थी, वे बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है, मैं तो फिजिक्स का प्रोफेसर था, इधर आ गया इसी तरह। उनसे मैंने अनुरोध किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जब मैं NCT का अध्यक्ष था, ह्यूमन राइट्स इन इंडियन वैल्यू, और जितने भी मानव अधिकारों की बात आज कही जा रही है, स्त्रियों के अधिकार हैं, जेंडर इक्विटी की बात है,
बच्चों के अधिकार हैं, सुरक्षा के अधिकार हैं, जीवन जीने के अधिकार हैं, जितने हैं राज, सब पर एक एक चैप्टर जस्टिस रमा जॉयस ने लिखा और इस आधार पर लिखा कि सामान्य प्राइमरी का शिक्षक भी इसको समझ सके। ये विशेष रूप से मैंने उनसे कहा था और उन्होंने करके दिया। वो पुस्तक भी NCT ने छापी थी लेकिन मिलेगी नहीं। मातृभाषा की बात मैं कह चुका हूँ और मैं समझता हूँ उससे ही वो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। जहाँ पर भी मातृभाषा का महत्व होगा, जो भी देश करेगा देगा, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। एक बहुत मशहूर वाक्य आजकल था जो 1950 के आसपास कोई कहता, चर्चिल ने कहा या कभी किसी और को कहा जाता है, द फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर्स ऑफ नॉलेज। भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य। उसी समय बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि अगर दुनिया ज्ञान के पीछे ही पड़ी रही तो अपने को नष्ट कर ले। आज हम उसको देख रहे हैं। तो मुझे इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने एक दिन बैठे बैठे ये सोचा कि इस चीज को कैसे कहा जाए। तो मुझे, मैं फिजिक्स क्योंकि पढ़ता था कभी, थोड़ा बहुत दिमाग में था कि जब लॉस अलामोस में 1945-46 में पहला परमाणु विस्फोट हुआ तो वहां पर संस्कृत उपस्थित थी। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने वो सहस्त्रों सूर्यों से अधिक तेज वाली बात का श्लोक पढ़ा, क्योंकि उस वक्त ने अध्ययन कर रखा था गीता का और संस्कृत वहां उपस्थित। क्योंकि जो संस्कृत जो पढ़ लेगा समझ लेगा वह केवल ज्ञान नहीं, वहां पर बुद्धि और विवेक हर जगह उपस्थित। तो मुझे बैठने सेल की बात जो लगी, उसने उसने कहा कि डिस्क्रिप्शन, अगर केवल ज्ञान पर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने को नष्ट कर लेंगे। जब लॉस अलामोस के प्रयोग विस्फोट हुआ उस समय विज्ञान अपने चरम सीमा पर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेटलर्जी हो, जो पीक ऑफ नॉलेज का उपयोग करके वो बना था, लेकिन विवेक नहीं था। और विवेक की अनुपस्थित के कारण हिरोशिमा हुआ, नागासाकी। और विवेक का स्रोत संस्कृत में से अच्छा सशक्त कहीं और उपलब्ध नहीं। उसको ढूंढिए, उसको बच्चों के सामने लाइए और आप देखेंगे कि फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज इकोनॉमी। हमारा देश बहुत आगे जाएगा और इसके उदाहरण है हमारे पास। 1960 के आसपास नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी में भारत के कुछ युवा गए और सारे विश्व का ध्यान आकर्षित कर लिया। भारत की प्रतिष्ठा वहां बढ़ी, सिलिकॉन वैली में हमारे युवाओं की बढ़ी। अगर हमने इनको संस्कृत से भी परिचित करा दिया होता तो निश्चित रूप से इनकी बौद्धिक क्षमताएं और प्रस्फुटित हुई होती। जो भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा से जुड़ेगा, अपने देश से जुड़ेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, उसका चिंतन निश्चित रूप से ऊपर जाएगा और जो उससे वंचित रह जाएगा वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। ये इस बात हम सबको माननी ही पड़ेगी। बर्ट्रैंड रसल ने जो बात कही वो हमारे यहाँ बहुत पहले कही गई है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मैं एक और उदाहरण अक्सर देता हूँ कि इस समय तो यूक्रेन की बात बहुत होती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक अपमानित ध्वस्त देश जापान था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1955-60 के आसपास अगर कोई प्रोडक्ट बहुत खराब होता था, कोई खरीद के लाता था, तो कहते अरे फेंको, जापानी माल। आप में से भी कुछ लोगों ने सुना होगा जो मेरी आयु वर्ग के होंगे। और 1980 के पास क्या हुआ, जो दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो जापान का। मैं जापान गया, जब पहली बार गया, दो तीन बार गया, तो मुझे ये प्रश्न मैंने उन्हीं लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा हमने दो काम किए, हमने अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा, प्रारंभिक शिक्षा मदर टंग, दूसरा हमारी मातृभाषा में संस्कृत जो थी उसको हमने बच्चों को दिया, उनको अंतर्निहित करा दिया। क्या था मेरी संस्कृति? जो भी राधा कृष्ण ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति बात होती है, उसका उद्देश्य सार्वभौमिक। उन्होंने कहा तुम जो भी काम करो
देश के लिए करो, शोध करो देश के लिए करो, सफाई करो अगर फर्श की तो भी देश के लिए करो। और कहां से शुरू किया? उसी शो से शुरू किया जो गुनार मिडल ने कहा था, अध्यापकों से शुरू किया। हर अध्यापक को बड़े स्तर पर कहा गया, आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप भविष्य का भारत बना का जापान बना रहे हैं, अगर हमें अपमान की स्थिति से निकलना है तो हमें अपने मूल्यों को देखना पड़ेगा, अपनी ज्ञानार्जन परंपरा, ये सब है। द जापानीज ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज क्वेस्ट, नॉलेज क्रिएशन एंड नॉलेज जनरेशन, बोले हमने इसको एम्फसाइज किया। हमारा जो भी चिंतन था, जो भी दर्शन था, जो भी संस्कृति थी, जो भी परंपराएं थी, इनको जानो, इनका विश्लेषण करो और इनकी इस समय क्या स्थिति है उस पर विचार करो, क्या उपयोगिता है या नहीं है। जो नहीं है इट इज गॉट। नतीजा क्या हुआ है? हर क्षेत्र में उन्होंने उन्नति की जिसको उन्होंने ठीक माना। अगर किसी ट्रेन का डिब्बा 8:23 पर एक नियत स्थान पर आता है तो उसी पर आता है, 8:24 पर नहीं आता। ये उपलब्धि कहाँ से हुई? काम के प्रति सम्मान और समर्पण। अगर ये हम अध्यापकों को करें तो निश्चित संस्कृत के बारे में जो भी प्रचार प्रसार करना है, हमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सबसे पहले जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में आप जैसे लोग, जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे अंदाज है, मैंने संस्कृत का एक नया प्रोजेक्ट भी NCERT में शुरू किया था और उसमें बहुत सा कार्य हुआ, बहुत से इंस्टीट्यूट बने थे, लेकिन बाद में वो ढूंढे नहीं मिले, वो अलग कहानी है, उसको मैं यहाँ नहीं आपके सामने कहने आया हूँ। मैं तो केवल ये कहने आया हूँ कि दो तीन बिंदु बड़े महत्वपूर्ण। पहला, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिक से अधिक हमें प्रवेश करना चाहिए, जितना संभव हो उतना जानना चाहिए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं तो आदर्श दिखाई देना चाहिए। ऐसी संस्थाएं कहां पर हैं जहां समय अध्यापक समय पर ही आता हो और उसकी अध्ययनशीलता प्रदर्शित होती। मुझे बताया गया कि जापान में अगर कोई अध्यापक कक्षा में 10 मिनट देर से जाता है और 50 विद्यार्थी उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो उस अध्यापक पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ कहता नहीं है। हमने उसको यो तैयार कर दिया है कि उसको इतनी आत्मग्लानी होती है कि मैंने अपने देश के विकास से 50×10=500 मिनट की चोरी कर ली है। आई हैव स्टोलन 500 मिनट्स फ्रॉम द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आई नेशन। ये वातावरण कौन बनाएंगे? ये वातावरण संस्कृत के विश्वविद्यालय बना सकते हैं, उससे जुड़ी संस्थाएं बना सकती हैं, क्योंकि आपको हमारे ज्ञान अर्जन की परंपरा से परिचय है, आपने उसको अंतर्निहित किया हुआ है, आपका उत्तरदायित्व तो सबसे बड़ा। मैं जब अध्यापकों से बात करता हूं तो कहता हूं, मैंने भारत के भविष्य के निर्माण में भागीदारी की है, मैंने सैकड़ों बच्चों को जीवन की दिशा दी है, और उनसे पूछता हूं आपने भी दी होगी? तो वो कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन ऐसे कौन सोचते? आप ऐसा सोचना प्रारंभ करिए, आप अपने विश्वविद्यालय पे ये प्रारंभ करिए कि आपका विश्वविद्यालय वर्क कल्चर कार्य संस्कृत का उदाहरण बनेगा और देखिए उसका कितना प्रभाव पड़ता है, प्रचार प्रसार होता है। भले ही सीधे ये संस्कृत की से जुड़ा न लगे, लेकिन यही संस्कृत को ऊपर ले आएगा, लोगों के मन में बैठा देगा, वहां बसा देगा। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन इस स्थिति से निपटने की तो आवश्यकता है। मैं फिर ये बात कहता हूँ, जैसे ये दो पुस्तकें बनाई गई थीं, अब इतने साल हो गए हैं, 20 साल और हो गए हैं, इससे अच्छा और बनना चाहिए था, देश विदेश में हर तरफ उपलब्ध होना चाहिए कि संस्कृत क्यों हमें देखना चाहिए, क्या आवश्यकता है और कैसे वो देश के विकास और उद्धार में मदद कर सकती है, प्रगति में मदद कर सकती है। मैंने जापान का उदाहरण दिया, इसीलिए दिया, और मैंने जो ज्ञान बुद्धि विवेक की बात कही, आप सब लोग उसमें मेरे से बहुत अधिक जानते हैं, लेकिन ये सही है कि अगर विवेक का इस्तेमाल होता तो दुनिया ऐसी नहीं होती कि करोड़ों लोग भूखे सो रहे हों, कोरोना से उजा रहे हों और 2 महीने से विश्व युद्ध चल रहा हो, जहां कुछ लोग ये सोच रहे हों कि हमारे हथियार बिक रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, कैसी दुनिया है, कहाँ है वो ज्ञान है
बुद्धि और विवेक की कमी हर स्तर पर है, अगर वो भी आ जाए तभी मनुष्य प्रगति करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और उसमें वही लोग करेंगे, वही समाज करेगा जो अपनी संस्कृति से जुड़ा होगा। और भारत में संस्कृत से जुड़ने का सबसे अधिक बलशाली, शक्तिशाली, प्रभावशाली साधन एक ही है, वह संस्कृत, संस्कृत साहित्य और उसका सारे का सारा वाङ्मय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और बुलाया। धन्यवाद सर। हम लोग अवश्य ही आपके इस प्रकार के शिक्षा के अंदर बहुमुखी प्रवेश जो आपने हमारे सामने उपस्थापित किया और निश्चित रूप से हम लोग लाभान्वित हुए, मैं सभी विद्वानों की तरफ से, सभी उपस्थित महानुभावों की तरफ से अनंत कोटि कृतज्ञताएं व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने शिक्षा में पांच तत्व, शिक्षा में पांच तत्वों की, सत्य, अहिंसा इत्यादियों की बात की, और फिर शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक, शिक्षणीय, इस प्रकार के कई उपपाद्य वस्तुओं की अवधारणा हमारे सामने आपने रखी। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे लिए एक ये आवाहन ही था कि ज्ञान तो हमारे पास है ही, केवल हमारे पास नहीं है, भारत में जितने ज्ञानवान हैं सभी ज्ञानवान इसलिए हैं कि उनके ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ जब तक विवेक न जोड़ा जाए और तब तक ये वो ज्ञान परिपूर्ण नहीं है और उसकी रचना धर्मिता, उसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शंस उतने नहीं हैं। इसलिए विवेक उसके साथ होना नितांत जरूरी है और इस प्रकार की शिक्षा हमें अपनी अपना संस्कृत और संस्कृत शिक्षा ही इस प्रकार की शिक्षा हमें देती है। और जो इस प्रकार का संयोग आपने बनाया और हमारे सामने उपस्थापित किया, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरुजनों और हमारे प्रिय छात्रों सभी ने अवश्य ही और सभी को अवश्य ही लाभ मिला होगा, और जिनको इस ये बात ज्ञात है वे अवश्य ही इससे पुनः क्रियाशील होंगे और हमारे छात्र इससे जरूर सीखेंगे। इसलिए मैं सभी की तरफ से आपको अनंत अनंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं सर। फिर कभी अगर आपका आशीर्वाद होगा और हम लोगों के पास, हम लोगों का आवाहन आप स्वीकार करेंगे, हम तो चाहेंगे कि हम आपको बार बार सुने, और इसी आशा के साथ फिर आपकी प्रतीक्षा में हम लोग होंगे। मैं अब इसके बाद अब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के रूप में अभी कार्यरत श्रीमती किरण अरोड़ा जी यहाँ पर हैं। मैं उनको उनको निवेदन करता हूँ कि वे कृपया मंच पर पधारें और उनका सम्मान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के माननीय कुलपति महोदय आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी करेंगे, आचार्य वरखेड़ी जी और मैडम अरोड़ा जी। धन्यवाद मैडम अरोड़ा जी, धन्यवाद कुलपति महोदय। अब इसके बाद जैसा कि प्रोफेसर राजपूत जी ने इससे पहले बातचीत के समय पर कहा था कि मेरा और कहीं कार्यांतर है और अतः मेरे को 3:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करना है, और तो हमने निवेदन किया कि सर आप अवश्य ही, हम लोग आशा करते हैं कि आप
उससे पहले निवृत्त हो जाएंगे, और अब 3:30 बजने को हैं और 5-7 मिनट बाकी है, और हम लोगों के जो हमारी जो आचार्य परंपरा है, उसी आचार्य परंपरा के अन्यतम आचार्य, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और हमारी गुरु परंपरा में आने वाले और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के निदेशक माननीय सर्वनारायण झा जी से मैं निवेदन करता हूँ, वो अपने उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ करें। कृपया समय पर इसको समाप्त करने की, इस सत्र को समाप्त करने की हमारी सहायता करेंगे माननीय गुरुदेव झा जी। इसमें मेरा भगवती जी इसमें है क्या, वो मेरा पीपीटी है इसमें के संयोजक। किधर है वो, दिया हुआ था इसमें क्या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुरुजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृतस्य अस्माकं प्राक्तन राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य परिसरेषु राष्ट्रीयशिक्षानीतेः क्रियान्वयनम् अस्माभिः अस्मादेव सत्रात् क्रियते। अस्माकं पुरतः सौभाग्यात् विराजमानाः वर्तन्ते अनेकेषां विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, अस्माकं कुलपतयः। अस्माकं यत् चिन्तनं वर्तते राष्ट्रीयशिक्षानीतिदृष्ट्या, तस्मिन् विषये अत्यन्तेन संक्षेपेण अहं किमपि वदामि। अस्मदीया परम्परा आसीत् उत्कृष्टतमः कश्चित् वैयाकरणः, तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः कथ्यते यथा वैयाकरणः वर्तते तथैव नैयायिकोऽपि वर्तते। व्याकरणं सम्यक् जानाति, परिष्कारं सम्यक् दृष्ट्या जानाति। कश्चित् साहित्यस्य उत्कृष्टः विद्वान् वर्तते, तर्हि ते साहित्यिकाः महान्तः सन्ति। कथं? साहित्यं जानन्ति, वैयाकरणाः अपि सन्ति, दार्शनिकाः अपि सन्ति। अर्थात् इंटर डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी अस्माकं संस्कारः आसीत् राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ। मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी व्यक्तित्वम् आगच्छतु इत्यत्र तैः महान् आयासः विहितः। अस्माकं प्राक्कालात् एषः संस्कारः आसीत्। पुनः वयं तत्र गच्छामः यदि अस्माकं कृते संस्कृतविश्वविद्यालयस्य विदुषां कृते तथा कश्चन नूतनः आयासः नास्ति, नूतनस्य आयासस्य विषयः नास्ति, केवलम् औपचारिकतया अस्माभिः किम् आचरणीयं तद् अस्माकं कुलपतिमहोदयैः चिन्तनं कृतं, तदेव चिन्तनम् इदानीं वयं कार्यान्वयनं कर्तुम् अग्रे गच्छामः। तत्र एकवारं
अग्रे सारयतु नेक्स्ट अत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसृत्य यथा तैः संकल्पना कृता वर्तते चत्वारः पाठ्यक्रमाः भवेयुः प्राक्कालात् अस्माकं परंपरा आसीत् तत्र भवन्तः पश्यन्ति कि चतुर्वर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमः चतुर्थवर्षं पूर्णतः शोधकार्यस्य कृते समर्पितं वर्तते फोर इयर्स ऑनर्स कोर्स अस्माभिः या संकल्पना वर्तते कुलपति महोदयानां यदस्माकं चिन्तनं वर्तते तद्दृष्ट्या अस्माकं विश्वविद्यालये अहं तु चिन्तयामि अत्र संस्कृतविश्वविद्यालयस्य नैके कुलपतयः सन्ति केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः सन्ति एव राज्यसर्वकारस्यापि विश्वविद्यालयानां संस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः सन्ति ते राष्ट्रीयशिक्षानीतिम् अनुसृत्य अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति अत्र चतुर्वर्षीयस्नातकप्रतिष्ठापाठ्यक्रमः फोर इयर्स ऑनर्स कोर्स अस्ति द्वितीयः पाठ्यक्रमः अस्माकं वर्तते यः फोर इयर्स ऑनर्स कोर्स कृतवान् स्यात् तस्य कृते वन इयर स्नातक पी जी कोर्स अस्ति एकवर्षीयस्नातकोत्तरपाठ्यक्रमः केवलं चतुर्वर्षीयस्नातकप्रतिष्ठापाठ्यक्रमोत्तीर्णछात्राणां कृते वर्तते अन्यः पञ्चवर्षीय संश्लिष्ट स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड शास्त्रीय आचार्य कोर्स इति तृतीयः पाठ्यक्रमः चतुर्थः यः त्रिवर्षीयः स्नातक पाठ्यक्रमः कृतवान् अस्ति तस्य कृते द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः द्वितीयवर्षं पूर्णतः शोधकार्यस्य कृते समर्पितम् अयं पाठ्यक्रमः त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमोत्तीर्ण छात्राणां कृते वर्तते एते चत्वारः पाठ्यक्रमाः अस्माभिः चालिष्यन्ते इति अस्माकं कुलपतिमहोदयानां संकल्पः वर्तते द्वितीयः विषयः इतः पूर्वम् अस्माकं समस्या भवति स्म ड्राप् औट् रेट् कथं भवेत् शून्यमेव स्यात् कश्चित् छात्रः शास्त्रीकक्षायां प्रवेशम् इच्छति प्रविश्य शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य येन केनापि कारणेन सः पठितुं नार्हति बहिः गन्तुम् इच्छति तस्य कृते सः यः कालः एकवर्षस्य तस्य किमपि फलं न भवति स्म इदानीम् अस्माकं प्रावधानानुसारेण अस्माभिः यत् प्रावधानं विहितं तर्हि शास्त्रीकक्षा प्रथमवर्षम् अधीत्यपि सः बहिः गन्तुम् इच्छति गच्छतु तदर्थमपि अस्माभिः शास्त्रीप्रमाणपत्रं दास्यते तत्र सर्टिफिकेट् एकवर्षस्य कृते अध्ययनस्य कृते शास्त्री सर्टिफिकेट् अस्माभिः दातुं शक्यते यदि कश्चित् द्वितीयवर्षं पठित्वा तत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतौ मल्टी एक्सिट् मल्टी एण्ट्री इति प्रावधानमस्ति तद्दृष्ट्या शास्त्री प्रथमवर्षम् अधीत्य गन्तुमर्हति चेत् गच्छतु द्वितीयवर्षम् अधीत्य गन्तुमर्हति चेत् तदानीमपि डिप्लोमा शास्त्री डिप्लोमा दत्वा अस्माभिः तत्र तेषां कृते सौविध्यं कर्तुं शक्यते शास्त्री तृतीयवर्षे अधीत्य यदि गन्तुम् अर्हति तर्हि तस्य कृते शास्त्री उपाधिः अस्माभिः दास्यते यश्च चतुर्थवर्षं यावत् कण्टिन्यू करोति तस्य कृते शास्त्रीप्रतिष्ठा इति अस्माभिः दास्यते यः शास्त्रीप्रतिष्ठाम् उत्तीर्य ततः अनन्तरमपि अध्ययनं कर्तुम् इच्छति तदर्थं तु अस्माकं कृते अस्ति एव एकवर्षीयः आचार्यपाठ्यक्रमः तत्र अग्रिमं पश्य प्रदर्शयतु यथा इतः पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं कि इण्टर् डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी प्रावधानम् अस्माभिः विहितं वर्तते तत्र अयम् अस्माकं पाठ्यक्रमे यः कश्चित् शास्त्रीकक्षायां प्रवेशं स्वीकरोति शास्त्रीकक्षायाम् एककालावच्छेदेन शास्त्रद्वयं पठितुम् अर्हति यः कश्चित् साहित्यस्य छात्रः साहित्यं पठितुमर्हति व्याकरणमपि पठितुमर्हति इच्छति चेत् व्याकरणं विहाय साहित्यं पठितुमर्हति ज्योतिषमपि पठितुमर्हति अर्थात् शास्त्री तृतीयवर्षस्य परीक्षां दत्त्वा तेषां पार्श्वे द्वौ विकल्पो भवेताम् एकः विकल्पः यदि शास्त्री साहित्यस्य अस्ति तर्हि साहित्याचार्यं कर्तुमर्हति द्वितीयोपि विकल्पः यदि किमपि अन्यं शास्त्रं किमपि स्वीकृत्य अधीतवान् अस्ति तर्हि एकैव छात्रः एककालावच्छेदेन साहित्यस्यापि विद्वान् भवितुमर्हति व्याकरणस्यापि विद्वान् भवितुमर्हति किञ्च आचार्यकक्षायां प्रवेशं साहित्यशास्त्रीमुत्तीर्य व्याकरणाचार्य अपि प्रवेशं कर्तुं समर्थः भवितुमर्हति एतादृशं प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते तत्र डिसिप्लिन् स्पेसिफिक् कोर्स् यदस्माभिः कृतं वर्तते तत् किञ्च डिसिप्लिन् स्पेसिफिक् एलेक्टिव् अस्ति तृतीयं पत्रं वर्तते जेनरिक् एलेक्टिव्
त्रिषु आहत्य यदि ते इच्छन्ति कश्चित् तथा छात्रः यः व्याकरणम् अधीत्य न्यायाचार्यं कर्तुम् अर्हति इच्छति कि शास्त्रीकक्षायां व्याकरणम् अधीतवान् आचार्यकक्षायां न्यायं पठितुम् इच्छति तथापि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। न्यायशास्त्रस्य कश्चित् छात्रः शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य व्याकरणस्य आचार्यं कर्तुम् इच्छति तर्हि तथापि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। एतदेव केवलं नास्ति, यदि कश्चित् छात्रः व्याकरणशास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य एम् सि ए कर्तुम् इच्छति, कम्प्यूटर् एप्लिकेशन् मास्टर् कर्तुम् इच्छति, तर्हि तदर्थमपि प्रावधानम् अत्र वर्तते कि बि ए मध्ये तत्र डिसिप्लिन् स्पेसिफिक् तु तथैव स्यात्, जेनरिक् किञ्च ए ई सि सि मध्ये ए ई ई सि मध्ये यदि 24 क्रेडिट्स् अर्जनं करोति तदानीं शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य सद्यः एम् सि ए कर्तुम् अर्हः स्यात्, तदानीं तथापि प्रावधानं वर्तते। यदि कश्चित् छात्रः शास्त्रीम् उत्तीर्य हिन्दी एम् ए कर्तुम् इच्छति तथापि प्रावधानं वर्तते। यदि कश्चित् छात्रः शास्त्रीम् उत्तीर्य अर्थशास्त्रे एम् ए कर्तुम् इच्छति तथापि प्रावधानमस्ति। अपि च शास्त्री प्रथमवर्षम् अधीत्य कदाचित् दुर्भाग्यात् बहिः गच्छति तर्हि तेषां कृते चिन्ता नास्ति। कथं चिन्ता नास्ति? एबिलिटी इन्हान्स्मेण्ट् कोर्स् मध्ये, स्किल् डेवलप्मेण्ट् स्किल् इन्हान्स्मेण्ट् कोर्स् मध्ये अस्माभिः तथा प्रावधानं विहितम्। इदानीं राजपूत् महोदयैः उक्तं, तस्मिन् सन्दर्भे एक द्वित्राणि वाक्यानि वदामि। प्रतिवर्षं शास्त्रीप्रथमवर्षे, शास्त्रीद्वितीयवर्षे, आचार्य शास्त्रीतृतीयवर्षे च प्रतिवर्षम् अस्माकं कृते छात्राणां कृते तत्र विकल्पः वर्तते। विकल्पः कः? एकस्मिन् पत्रे स कर्मकाण्डं पठितुम् अर्हति, आफिशियलि तत्र परीक्षा भविष्यति, कर्मकाण्डं पठितुम् अर्हति। कर्मकाण्डं निच्छति चेत् कम्प्यूटर् सैन्स् मध्ये प्रोग्रामिङ्ग् पठितुम् अर्हति, वेब् डिजैनिङ्ग् पठितुम् अर्हति। किञ्च अस्माकं परिसराः तु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सन्ति, यस्मिन् यस्मिन् क्षेत्रे ये ये परिसराः सन्ति तस्मिन् तस्मिन् स्थाने स्थानीयं यत् किमपि तथा एक्टिविटि अस्ति तस्यापि अध्ययनं सः कर्तुम् अर्हति इति प्रावधानम् अस्माभिः विहितं वर्तते। किञ्च इदानीं विवेकस्य चर्चा जाता, कश्चित् ज्योतिषस्य आचार्यः भवति, आचार्यं कृत्वा सः उपनिषत् न जानाति, उपनिषत् किमस्ति न जानाति, गीता न जानाति, यतोहि पाठ्यक्रमे नास्ति। अत्र तथापि प्रावधानम् अस्ति यदि सर्वेपि छात्राः निश्चितरूपेण उपनिषदः केचन तत्र कांश्चन अंशाः पठेयुः, गीतायाः केचन भागाः तत्र तेऽपि पठेयुः विवेकदृष्ट्या संस्कारदृष्ट्या। किञ्च अस्माकं छात्राः शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य आचार्यकक्षां च उत्तीर्य यदा बहिः गच्छन्ति, एकं पदम् अद्यत्वे पूर्वमपि आसीत् कि छात्राः अस्माकं रिलिजियस् टीचर् रूपेण कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, तथापि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। यत्र शास्त्रीकक्षायां त्रिषु वर्षेषु स्किल् डेवलप्मेण्ट् कृते वेल्यू बेस्ड् एजुकेशन् एबिलिटी इन्हान्स्मेण्ट् तत् कथं भवितुमर्हति, एकैकस्मिन् वर्षे सत्रान्ते छात्राणाम् इन्टर्न्शिप् अस्माभिः निर्धारितम्। इन्टर्न्शिप् द्वारा कुत्र अस्माकं छात्राः इन्टर्न्शिप् कर्तुं गच्छेयुः? ये केचन कम्प्यूटर् सैन्स् पठितवन्तः सन्ति एबिलिटी इन्हान्स्मेण्ट् मध्ये, स्किल् डेवलप्मेण्ट् मध्ये, ते कम्प्यूटर् सैन्स् इण्डस्ट्रीज् मध्ये गत्वा इन्टर्न्शिप् कर्तुम् अर्हाः स्युः। ये च कर्मकाण्डादिकं पठितवन्तः ते ट्रस्ट् सञ्चालितमन्दिरेषु, किञ्च आर्मी, एर्फोर्स्, नेवी इत्यादीनां यत्र यत्र मन्दिराणि सन्ति तादृशी संस्था वर्तते, तासु तासु संस्थासु तेषाम् इन्टर्न्शिप् भवतु, येन ते ये जनाः अधिकारिणः विभागाः अस्माकं विश्वविद्यालयेन सह परिचिताः स्युः
अस्माकं छात्रैः सह परिचिताः स्युः, यदा अस्माकं छात्रः तत्र GSU RT कृते गच्छति तदानीं तस्य प्रयोजनमेव न भवेत्। यद् कुतः आगतः, किम् अधीत्य आगतः, एतत् सर्वमपि प्रावधानं तत्र अस्माकं कुलपतिमहोदयानां स्वीकृत्य तेषां चिन्तनेन अस्माभिः विहितं वर्तते कि छात्राः, एकः छात्रः यदा आचार्यः भविष्यति सः स्वकीयं शास्त्रं तु जानात्येव, एकम् अन्यदपि शास्त्रं जानाति, सङ्गणकं जानाति, कर्मकाण्डं जानाति। तत्र एबिलिटी एन्हान्समेंट मध्ये, स्किल डेवलपमेंट मध्ये च प्रवचनादिकं कथं कर्तव्यं, तदर्थमपि प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते। इंटर्नशिप कृतेपि ते छात्राः जे एबिलिटी एन्हान्समेंट मध्ये कथा प्रवचनादिकं कर्तुं ऑप्शन दत्तवन्तः सन्ति, ते ये अस्माकं महान्तः सन्त किं वा समाज उद्धारकाः, किञ्च अन्येते ये तादृशाः रिलीजियस् गुरवः सन्ति, तेषां पार्श्वे ते तत्र गत्वा 42 days इंटर्नशिप कृत्वा आगन्तुं शक्नुवन्ति। कथा अस्माकं या परम्परा आसीत्, यः कश्चित् पण्डितः भवति स्म, स्वकीयं शास्त्रं जानाति स्म, शास्त्रेण सह अन्यानि शास्त्राणि कानिचित् कानिचित् जानन्ति स्म, किञ्च कर्मकाण्डादिकमपि जानन्ति स्म, तेन सह अद्यत्वे अस्माकं कुलपतिमहोदयानाम् आग्रहः अपि आसीत् कि युगानुगुणं पाठनीयं, शास्त्राणि पाठनीयानि, शास्त्रं तु अत्यावश्यकं वर्तते। किन्तु अहम् एकं वाक्यं स्मरामि इदानीं, कुलपतिमहोदयानां वाक्यं कि साइंस टेक्नोलॉजी वाहनम अधिरूह्य अस्माकं शास्त्राणि, दर्शनानि, वेदांगानि संपूर्णे जगति विलसन्तु इति एतेषां श्रीमतां श्रीनिवास बरखेड़ी महोदयानां संकल्पः। अस्मदीयः छात्राः न केवलं संस्कृतस्य विद्वांसः भवेयुः, तेषां यत्किमपि प्रयोजनम् इदमपि प्रावधानम् अत्र कृतं वर्तते। यः कश्चित् शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य MA इङ्ग्लिश् कर्तुम् इच्छति सः शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य MA इङ्ग्लिश् अपि कर्तुम् अर्हति, तथा प्रावधानम् अत्र कृतं वर्तते। तदर्थं क्रेडिट् इत्यस्य यत्किमपि प्रावधानम् अस्माभिः कर्तव्यमासीत् तत्सर्वमपि अस्माभिः कृतं वर्तते। एतादृशं यत् चिन्तनम् अग्रे साधयन्तु। तत्र दक्षतासंवर्धनोपायाः अस्माभिः कथं करणीयः, तद्दृष्ट्या भाषादृष्ट्या संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण अस्माभिः पाठ्यत एव, हिन्दी पाठ्यत एव, आङ्ग्लमपि पाठ्यत एव, इतोपि विषयदृष्ट्या सङ्गणकविज्ञानस्य, संस्कृतानुवादस्य, पाण्डुलिपिसम्पादनस्य इतोपि वैशिष्ट्यं अस्यां सभायां श्रीमतां तत्र भवतां पूर्वनिदेशकवर्याणाम् आचार्याणां कमलाकान्तमिश्रमहोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं च वयं कुर्मः विश्वविद्यालयपक्षतः। इतोपि एकः विशिष्टः विषयः वर्तते, अयमपि विषयः अस्माकं कुलपतिमहोदयस्य चिन्तनं वर्तते। अन्तिमायां पश्यन्तु भवन्तः, अपठितस्य विषयस्य स्वीयेन पठित्वा विषयज्ञानसंवर्धनोपायाः। एकस्मिन् दिने तैः चर्चायाः क्रमे उक्तवन्तः कि अस्माभिः तथा किमपि प्रावधानं कर्तव्यं यत्र यः यद् विषयं छात्रं न पाठितवान् तदपि विषयं छात्रः स्वीयेन शक्त्या पठित्वा तस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुयात्। अर्थात् यं विषय, ये केचन ग्रन्थाः, ये केचन सिद्धान्ताः, तान् सर्वान् सिद्धान्तान् पाठयितुं कालः न भवति अध्यापकानां, त एकस्य ग्रन्थस्य अध्यापनं कृतं, तदनु ये अवशिष्टाः ग्रन्थाः, अवशिष्टाः सिद्धान्ताः, तेषां सिद्धान्तानां स्वीयेनैव अध्ययनं कृत्वा ते दक्षाः कथं भवेयुः इति या प्रवृत्तिः, इति या शक्तिः, तस्याः अपि संवर्धनं भवतु। तद्दृष्ट्या एषा या पङ्क्तिः, अपठितस्य विषयस्य स्वीयेन पठित्वा विषयज्ञानसंवर्धनोपायाः अस्माभिः कल्पनीयाः, तदर्थं श्रीमद्भिः उक्तं यद् यस्य पाठनं वयं कुर्मः तस्य परीक्षां न कृत्वा, यस्य पाठनं न कृतवान् तस्य अध्यायस्य तत्र परीक्षां करोतु, कि कथं तेषां मेधा अस्ति, कथं सः परीक्षां लिखितुम् अर्हः भवति। तादृशमपि अस्माभिः प्रावधानम् अत्र कृतं वर्तते। इतोपि अग्रे
कौशलदृष्ट्या अस्माकं छात्राः शास्त्रीकक्षां वा आचार्यकक्षां वा उत्तीर्य यदा बहिः गच्छन्ति तदा कदाचित् एवं भवति संस्कृतं जानाति संस्कृतस्यैव केवलम् अवसरः भवति चेत् सः कार्यं कर्तुम् अर्हति अन्यथा सः तु किमपि कर्तुं नार्हति न अर्हः तथा अस्माभिः न चिन्तनीयं यथा आङ्ग्लभाषां पठित्वा तत्र हिन्दीभाषां पठति वा कश्चित् आङ्ग्लभाषां पठति वा कश्चित् अर्थशास्त्रं वा पठति कश्चित् तर्हि तदर्थं ते कथम् उपयुक्ताः भवन्ति कथम् अर्हाः भवन्ति अन्येषु कर्मसु अत्र कौशलदृष्ट्या वेब् पेज् निर्माणं प्रोग्रामिङ्ग् अकौण्टिङ्ग् प्रौरोहित्यं प्रशिक्षुता सेवा इत्यादिकं सर्वमपि सः कर्तुम् अर्हति इति दृष्ट्या तत्र अस्माभिः चिन्तनं कृतं वर्तते तत्र राष्ट्रियशिक्षानीति तदनु नैतिकमूल्याधारितशिक्षादृष्ट्या अपि अस्माभिः दक्षतासंवर्धनोपायाः कृताः यतोहि सर्वेषामपि छात्राणां कृते अत्यावश्यकं भवति यत्र गीतायाः अपि अध्ययनं भवतु उपनिषदः अध्ययनं भवतु तद्दृष्ट्या अपि तत्र प्रावधानं कृतं वर्तते सर्वेषां कृते अवसरः अस्ति अग्रिमं इन्टर्न्शिप् अप्रेण्टिस्शिप् यतोहि अस्माकं ये छात्राः भवन्ति ये शास्त्रीकक्षायाम् आयान्ति ततः प्रभृति तत् तेषां बुद्धौ किमपि न भवति यदा आचार्यकक्षाम् उत्तीर्य पि एच् डि कृत्वा बहिः गच्छति तदानीं चिन्त्यति च सेवा कुत्र भवेत् सर्विस् कुत्र अस्माभिः करिष्यति कथं करिष्यति तदर्थं शास्त्रीकक्षा शास्त्री प्रथमवर्षतः आरभ्य एव इन्टर्न्शिप् भवेत् यदि शास्त्री प्रथमवर्षे एव तेषां बुद्धौ अयं विषयः समागच्छेत् यद् इतः अनन्तरम् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इदानीम् इन्टर्न्शिप् मध्ये वयं गन्तुं समर्थाः न भवामः तर्हि अन्तिमे समये वृत्तिं कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति दृष्ट्या चिन्तनं शास्त्री प्रथमवर्षे एव छात्रेषु आगच्छेत् तद्दृष्ट्या अयं विषयः अस्माभिः स्थापितः इन्टर्न्शिप् सर्वासु कक्षासु शास्त्री फस्ट् इयर् शास्त्री सेकेण्ड् इयर् शास्त्री थर्ड् इयर् आचार्य फस्ट् इयर् सर्वत्र इन्टर्न्शिप् अस्ति छात्रस्य या प्रकृतिः तां प्रकृतिम् अनुसृत्य कश्चित् प्रवचनं कर्तुम् इन्टर्न्शिप् कुर्यात् कश्चित् कम्प्यूटर् सैन्स् इण्डस्ट्रीज् मध्ये इन्टर्न्शिप् कुर्यात् कश्चित् अस्माकं विश्वविद्यालये अध्यापनं कर्तुम् इन्टर्न्शिप् कुर्यात् यदि चेत् कुत्रापि न भवति इन्टर्न्शिप् तर्हि अस्माकं विश्वविद्यालयः एव इन्टर्न्शिप् कृते तस्य छात्रस्य अवसरं दास्यति तस्य छात्रस्य कृते तथा प्रावधानम् अस्माभिः कृतं वर्तते अपि च शास्त्रार्थस्य परम्परा क्षीयमाना दृश्यते तद्दृष्ट्या तत्र एक्स्ट्रा करिकुलर् एक्टिविटि मध्ये शास्त्रार्थः नाटकं प्रश्नमञ्चः एन् एस् एस् एन् सि सि इत्येतेषां सर्वेषामपि प्रावधानं विहितं सर्वेषां कृते तत्र अङ्काः अस्माभिः निर्धारिताः यतोहि एवमेव एक्स्ट्रा करिकुलर् मध्ये कश्चित् न गन्तुम् इच्छति अङ्काः दीयन्ते चेत् तेषां प्रवृत्तिः भवति कश्चित् शास्त्रार्थी भवेत् कश्चित् अभिनेता भवेत् कश्चित् क्विज् मध्ये आगत्य जनरल् कम्पिटिशन् इत्यादिषु गन्तुं शक्नुयात् एवं दृष्ट्या अस्माभिः कृतम् इतोपि अधिकः आवश्यकः आसीत् तत्रापि अस्माकं कुलपतिमहोदयानां श्रीनिवास बर्खडी महोदयानां चिन्तनं वर्तते मूल्याङ्कनं यद्भवतु परीक्षामूल्याङ्कनं सर्वतोभावेन आवश्यकं भवति मूल्याङ्कनं यद्भवति तत् कथं तत्र मूल्याङ्कने त्रयः बिन्दवः तेषाम् आशयः सन्ति अस्ति त्रीणां बिन्दूनां तेषाम् आग्रहः अस्ति ट्रान्स्पेरेन्सि भवतु रिस्पोन्सिव् भवतु आब्जेक्टिव् भवतु रिस्पोन्सिव् भवतु आब्जेक्टिव् भवतु ट्रान्स्पेरेन्सि भवतु तत्र तद्दृष्ट्या 40% मार्क्स् अध्यापकस्य हस्ते वर्तते 40% 40% मार्क् अस्माकं हस्ते अस्ति अध्यापकानां हस्ते 60% सेमिस्टर् एण्ड् एक्सामिनेशन् भविष्यति तत् 40% मार्क्स् कथं एक्स्ट्रा करिकुलर् एक्टिविटी यदस्ति तदस्ति इतोपि इतः पूर्वं क्रेडिट् सिस्टम् अस्माभिः स्वीकृतं चाय्स् बेस्ड् क्रेडिट् सिस्टम् अस्माभिः स्वीकृतं तद्दृष्ट्या एकस्य क्रेडिट् इत्यस्य अध्यापनं यदा जातं तदनु सद्यः एव अध्यापकः मौखिकी परीक्षा यथा प्राक्काले भवति स्म गुरवः परीक्षां स्वीकुर्वन्ति स्म वदतु शास्त्राणि वदन्तु छात्राः वदन्ति स्म तदर्थम् अङ्कान् वयं दद्मः सा व्यवस्था पुनः अस्माभिः आनीता
कि एकैकस्य क्रेडिट इत्यस्य अन्तिमे समये मौखिकी परीक्षा भविष्यति। साच मौखिकी परीक्षा कथं भविष्यति तथा न भविष्यति यथा अस्माभिः अद्यत्वे क्रियते, तदर्थम् एकं सॉफ्टवेयर अस्माभिः इदानीं क्रियते। छात्रः एक्सटेम्परे 5 मिनट्स यावत् वदेत्, तस्य रेकॉर्डिंग भवेत्, रेकॉर्डिंग कृत्वा सद्य एव अपलोड भविष्यति परीक्षा विभागस्य वेबसाइट मध्ये, पोर्टल मध्ये। वीडियो दृष्ट्वा एव सः अध्यापकः अंकं दद्यात्, यद् अस्मिन् अस्य क्रेडिट इत्यस्य कृते कति अंकाः निर्धारिताः, तेषु अंकेषु कति अंकं एषः लब्धवान्। छात्राणां नाम, अध्यापकस्य नाम, वीडियो रेकॉर्डिंग, अंकाः पुरतः भवन्तः सर्वेपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तथा मौखिकी परीक्षा यदि एकस्मिन् सत्रे वारचतुष्टयं भवति, वारचतुष्टयं त्रिषु मासेषु, चतुर्षु मासेषु मन्ये, प्रतिमासं यदि एकवारं मौखिकी परीक्षा भवति, अतया दृष्ट्या परीक्षणं भवति, नूनमेव ट्रान्स्परेन्सी स्यादेव। तेनैव कारणेन अध्यापकानामपि छात्राणामपि उपस्थितिः, रेस्पान्सिबिलिटी च भवितुमर्हति। त इति यत् चिन्तनम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वर्तते, तेन चिन्तनेन इदानीं यत् राजपूत महोदयैः उक्तं यद् कथं भवितुमर्हति, तत्र पङ्क्चुअलिटी संस्कृतमहाविद्यालयेषु प्रथमं स्यात्, त अयं यः विधिः अस्माभिः चितः, तत्र तु मन्ये छात्राणाम् अध्यापकानां, यद्यपि अस्माकम् अध्यापकाः रेस्पान्सिबल् सन्ति एव, छात्राः अपि सन्ति, तथापि अनिवार्यता भवति चेत् अस्माकं सौकर्यं स्यादेव। इति दृष्ट्या मौखिकपरीक्षा प्रश्न शास्त्रार्थस्य नाटकस्य इदानीं किमस्ति, यदा नाटकस्य अवसरः आयाति, कः छात्रः आगच्छेत्, केषाञ्चिदपि प्रशिक्षणं सर्वत्र न भवति, किन्तु अत्र तु अस्माभिः प्रावधानमेव विहितं कि नाटके तेषां प्रवृत्तिः भवतु, प्रश्नमञ्चेपि प्रवृत्तिः भवतु, किञ्च प्रदत्त बहिः कार्यम् NSF भवति, NS कृते कुत्रचित् प्रेषितुं वयम् इच्छामः, अहं किमर्थं गमिष्यामः, कः लाभः, तदर्थमपि अङ्कानां प्रावधानम् अस्माभिः विहितं। नाटकस्य कृतेपि, प्रश्नमञ्चस्य कृतेपि अङ्कानां प्रावधानम् अस्माभिः विहितम्। एवं प्रकारेण एषा या पद्धतिः, तस्याः तत्र अस्माभिः अस्माकं कुलपतीनाम्, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आचार्याणां, संकायाध्यक्षानां, विभागाध्यक्षानां, परिसरनिदेशिकानां, सर्वेषामपि यत् चिन्तनं वर्तते, तेन चित्रेण वयम् अग्रे गन्तुम् इच्छामः। राष्ट्रियशिक्षानीतेः क्रमशः अस्मिन् सत्रे, शास्त्री प्रथमवर्षे, आचार्य प्रथमवर्षे च इन्ट्रोडक्षन् कुर्मः, इन्ट्रोड्यूस् कुर्मः। अग्रिमे वर्षे शास्त्री द्वितीयवर्षे, आचार्य द्वितीयवर्षे च करिष्यामः। तदग्रिमे वर्षे शास्त्री अन्तिमे वर्षे करिष्यामः। एतावता त्रिभिः वर्षैः सम्पूर्णस्य कार्यक्रमस्य क्रियान्वयनं कर्तुम् अस्माकं कुलपतयः दृढसङ्कल्पाः सन्ति। एतदर्थम् अस्यां सभायाम् अस्माकं परिसरपक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः, संकायाध्यक्ष, निदेशक, सर्वेषां पक्षतः, तत्र श्रीमताम् अस्माकं कुलपतिमहोदयानां, किञ्च अत्र अद्य सर्वे कुलपतयः प्रायः त्रयाणां विश्वविद्यालयानां समागताः सन्ति, संस्कृतविश्वविद्यालयानाम् अन्येषामपि कुलपतयः, किञ्च उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य अध्यक्षाः तेपि सन्ति। सर्वैः सम्भूय, परस्परं सम्भूय, यदि राष्ट्रियशिक्षानीति दृष्ट्या समन्वयपूर्वकम् अध्ययनस्य, अध्यापनस्य, परीक्षायाः सञ्चालनं कर्तुम् एकत्रीभवन्ति, मन्ये सर्वेषामपि छात्राणामपि, अस्माकमपि उत्साहस्यापि वृद्धिः भवेत्, कल्याणमपि भवेत्। पुनः इतः अधिकं किमपि न उक्त्वा अहं पुनः प्रणम्य सर्वान् विरमामि। यतो भारतं, यत् संस्कृतम्। धन्यवादः आचार्याः झा महोदयाः। भवद्भिः तत्र NAP 2020 इति शिक्षानीतेः आधारेण संस्कृतशिक्षायाः कीदृशः उपक्रमः, संस्कृत शिक्षायाः पाठ्यक्रमनिर्माणस्य कीदृशी रूपरेखा इति अत्र समयानुगुणं यथाशक्ति भवद्भिः सा रूपरेखा उपस्थापिता। अतः अपरं च अस्माभिः सम्भूय कथं संस्कृतस्य उपकारः करणीयः
इत्यपि कश्चन किमपि उद्बोधनं विशिष्टं तत्र अभ्यन्तरे आसीत्। अधिकं किमपि न वदामि। प्रह्लाद जोशी महोदयानाम् अभिनयं कुर्वन् सर्वेषां कृते एकतन्त्रेण धन्यवादं विनिवेदयन् आगामी कार्यक्रमस्य आगामी सत्रस्य अत्र स्वरूपोपस्थापनार्थं पुनः अत्रत्य संयोजकान् निवेदयन् अत्रैव विरमामि विस्तरात्। सर्वेभ्यः प्रणतिपुरस्सरम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः। इदानीं मान्यमान्याः अतिथिवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। ते उपमञ्चम् आसनं गृह्णन्तु। अचिरमेव अस्माकम् अनुक्रमेव अग्रिमं सत्रमपि प्रारभते। तत्र च सत्रस्य संयोजकः भवति अस्माकं मुरलीकृष्णमहोदयः। स च सत्रसञ्चालनाय अत्र सम्प्रार्थ्यते। सत्रमेतत् गुरुकुलशिक्षायाः विराट् स्वरूपमिति विषयम् आदाय प्रवर्तिष्यते। अस्मिन् सत्रे सत्राध्यक्षरूपेण प्रोफेसर् प्रफुल्लकुमार मिश्रमहोदयः, मुख्यवक्तृरूपेण प्रोफेसर् रामचन्द्रजीभट्टवर्यः, उद्बोधनाय डाक्टर् साध्वीदेवप्रियावर्यः, प्रोफेसर् विरूपाक्षजड्डिपालमहोदयः, एते सर्वेपि अतिथिवर्याः समायास्यन्ति। इदानीं मुरलीकृष्णवर्यः कृपया सत्रारम्भाय।